हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मस्त तरीके से हम लव कॉपी की प्यारी सी पतंग बनाने वाले हैं। उसके पांच स्टेप है इजी वे में, हम आज बताएंगे मस्त तरीके से, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। और मस्त तरीके से हम पतंग बनाएंगे, पांच स्टेप है, एक एक करके हम बताएंगे आपको। आज चाहो तो इन तीनों के अलावा सीजर कैची का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हम तो फिलहाल इसका इस्तेमाल कर। दोस्तों फिलहाल प्यारे तरीके से हमने पेज को कॉपी से अलग कर दिया मस्त तरीके से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पहला स्टेप इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये पतंग का स्ट्रक्चर बनाना है। पतंग का स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप होता है, स्क्वायर शेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके फोल्ड करना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर शेप बन जाएगा। एक ट्रायंगल मतलब ये स्क्वायर शेप ही बन जाएगा मस्त तरीके से। और हम स्केल की मदद से ऐसे मार्कर से लाइन बना के और सीधे से काट देते हैं। फाइनली प्यारे तरीके से पतंग का स्ट्रक्चर बन के तैयार है। हमने क्या करा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका वो हमने अलग कर दिया ब्लेड की हेल्प से। उसके बाद हमने प्यारे तरीके से यहाँ पे लाइन की दी, हल्की सी टेढ़ी लाइन, जिससे हमारी पतंग का स्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से बन जाएगा। फाइनली प्यारे तरीके से हमारी प्यारी सी पतंग का स्ट्रक्चर आकार बढ़िया तरीके से रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये दो डंडियाँ हैं, इन्हें इसमें जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ टेप हो या आपके घर में जो चीज़ उपलब्ध हो, फेविकॉल, फेविक्यूक, जो भी हो फेविकॉल, ठीक है, उससे जोड़ सकते हैं। हम फिलहाल टेप से जोड़ते हैं। प्यारे तरीके से हम जंजीर वाली पूंछ बनाने वाले हैं। जंजीर वाली पूंछ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पतले पतले पेपर कट करने पड़ेंगे ऐसे इस तरह, और इसे सर्कल की जंजीर बनाने के लिए हमें ऐसे सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल बनाने के बाद हमें टेप लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो आपके पास गोंद या फेविकॉल वगैरह कुछ हो ना, वो भी लगा सकते हो। हम तो टेप से काम, हम फिलहाल टेप लगा रहे हैं। ऐसे करके राउंड करके ऐसे फिक्स कर देना है। और आप और ध्यान रखना, ज़्यादा टाइटली मत करना, अंदर ये सर्कल वाला है ना, फट सकता है। जंजीर बनाने के लिए दूसरा कागज हमें ऐसे करके डालना पड़ेगा, और ऐसे करके दोबारा से वही प्रक्रिया अजमानी पड़ेगी। ऐसे ही प्यारे तरीके से हमें बाकी के कागज भी इसमें चिपकाने हैं, फिर उसके बाद जंजीर वाली पूंछ रेडी हो जाएगी। फाइनली प्यारी सी पतंग हमारी रेडी होने वाली है, और हमने प्यारे तरीके से इसमें डंडी चिपकानी थी, डंडी चिपका दी है। एक टेप यहाँ लगाया, एक टेप यहाँ लगाया, एक टेप यहाँ लगाया, एक टेप यहाँ लगाया, ठीक है, चार जगह टेप लगाया, और मस्त तरीके से यहाँ पर जंजीर वाली पूंछ हमने मस्त तरीके से इसमें पूंछ चिपका दी है मस्त तरीके से। अब क्या करना बाकी है, अब इसमें हम प्यारे तरीके से करेंगे छेद। छेद करने के लिए आपके पास कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी होना, नुकीला वगैरह कुछ भी होना चाहिए। आपके घर में माचिस तो होगी ना, माचिस को क्या करना है, माचिस निकालनी है, ऐसे ट्विस्ट करना है, तोड़ना है, जिससे ये नुकीली बन जाएगी, तो इससे हम छेद कर पाएंगे। एक पहला छेद तो हमें चार छेद करने पड़ेंगे। एक छेद यहाँ करो, दूसरा छेद यहाँ करो, दो छेद यहाँ पे करने पड़ेंगे, दो छेद तुम्हारे यहाँ पे करने पड़ेंगे। चार छेद करने टोटल, एक छेद यहाँ पे, दूसरा छेद यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, चार छेद करने। देखो इस साइड भी देख लो, एक छेद यहाँ पे करना है, दूसरा छेद यहाँ पे करना है, तीसरा छेद यहाँ पे करना है, चौथा छेद यहाँ पे करना है, बस तरीके से। देखो इस साइड दिखा रहा हूँ मैं, और वैसे करने तो इस साइड भी आते हैं। फाइनली प्यारे तरीके से हमारी पतंग रेडी होने वाली है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें छेद तो हमने कर दिए मस्त तरीके से। अब करने बातें, आपके पास घर में कुछ भी हो, थ्रेड हो या रस्सी हो या वो क्या नाम है, धागा हो या हो वो पतंग वाली डोरी, कुछ भी हो, फिलहाल तो हमारे पास ये धागा है, इससे हम प्यारे तरीके से करने बातें। फाइनली प्यारे तरीके से हमने रफ कॉपी की प्यारी सी पतंग बना ली, और इसमें करने बात लिए हमने ये रस्सी थ्रेड वगैरह जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, सर्दी मंजा उससे उड़ा सकते हैं। हमने फिलहाल तो ये सर्दी बात ली है, और बस तरीके से हम उड़ाएंगे। और पहले उड़ाने से पहले हम क्या करना ना, हल्का सा ये बैंड कर लेना, क्या नाम, बीच वाली डंडी, thank you.
आज का ये नोटबुक वाली पतंग बनाई हमने और उड़ा के भी दिखाई। और आज का ये प्यारा सब लोग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत से इतनी कड़ी धूप में मैंने आपके लिए ये प्यारा सा ब्लॉग बनाया है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग में, तब तक टाटा।